नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। और अभी मैं काके ब्लॉक में पहुंची हूँ, जहाँ पर आज चुनाव चिन्ह को लेकर के बाजार लग चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव चिन्ह मिला नहीं है और चुनाव चिन्ह मिलने से पहले ही ये बाजार लग चुका है। आप हमारे विजुअल के माध्यम से देखेंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो चुनाव चिन्ह का बाजार है, ये लग चुका है, काफ़ी सिंबल्स के साथ लगा है। और ये जो बाजार लगाए हैं, ये इतनी जल्दी बाजार क्यों लगाए हैं और यहाँ इतनी जल्दी क्यों पहुँचे हैं, कहाँ से आए हैं, आइए इनसे जानते हैं। आप कहाँ से आए? बिहार से। इतनी जल्दी चुनाव चिन्ह का बाजार क्यों लगा? जल्दी क्या, अभी तो सिंबल 11 बजे से मिलना था, अभी 3 बजे से मिलेगा। तो जब तक तो ऑर्डर नहीं आएगा तब तक तो कोई वो नहीं है ना? सिंबल तो आज मिलने का डेट है ना। ये सिंबल्स किस किस चीज़ का है, क्या क्या सिंबल्स है हमें बताइए? ये आपको मुखिया का है, वार्ड सदस्य का है, पंचायत समिति का है, जिला परिषद का है। विजुअल के माध्यम से यहाँ पर देखा कि कैसा कैसा सिंबल्स है और ये कहाँ से आए हैं, इतनी दूर बिहार से यहाँ पर सिंबल्स लगा के अपना चुनाव चरण को, ये चुनाव चिन्ह को पहले से लगा करके बैठे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जो उनके बगल में बैठे हैं, आइए उनका भी विजुअल के माध्यम से आपको दिखाते हैं और उनसे भी बात करते हैं। जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ चुनाव चिन्ह का बाजार तो लगा है, पर यहाँ जो बेच रहे हैं, ये जो भी लगा के इस दुकान को बैठे हैं, वो यहाँ से गायब है। जैसे ही वो आते हैं, हम आपसे उनको बात करवाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप आए हैं? यूपी मुजफ्फरनगर से आए हैं। क्या चीज़ को लेकर दुकान? चुनाव सामग्री बेचते हैं, सेल करते हैं। क्या क्या है सामग्री? हमारे पास मुखिया का है और वार्ड सदस्य का है, जिला परिषद का है, सामग्री सब है। हाँ, यूपी से, मुजफ्फरनगर से। हाँ, 5 साल में एक बार चलता है, नहीं और कोई बिजनेस नहीं। तो इससे हो जाता है काम? अभी हम बिहार करके आए हैं, 2 महीने। बिहार में हो गया? बिहार में हो गया, इसके बाद हम मध्य प्रदेश जाएंगे। हाँ, पंचायत चुनाव है वहाँ पर। 5 साल में एक बार कमाते हो, 5 साल चल जाते हैं? 5 साल में कहीं भी जाते हैं, फिर मध्य प्रदेश चले जाएंगे, फिर यूपी चले जाएंगे, फिर हरियाणा। ऑल ओवर स्टेट इलेक्शन का ही काम है हमारा, जहाँ इलेक्शन होते हैं हम वहाँ अपनी शॉप लगाते हैं। एक बार में कितना कमा लेते हैं? इसको हम डिलीवर नहीं कर सकते, फिर भी कुछ तो आइडिया होगा? नहीं, कोई आइडिया नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने सुना भी कि 5 साल में कहीं ना कहीं ये लोग जाते रहते हैं और इनका कहना है कि हम कितना कमाते हैं ये तो हमें पता नहीं, ये बता नहीं रहे, इन्हें कुछ आइडिया नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, अभी यहाँ पर भी दरी बिछ चुका है, दुकान लगने वाला है, लेकिन अभी यहाँ पर लगा नहीं है, सब वेट करें कि कब अनाउंस हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर गमछी का भी दुकान लग चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी लिखा हुआ है शिमला मिर्च। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेब, शिमला मिर्च, गुब्बारा, हर एक के नाम से यहाँ पर दुकान लग चुका है। आइए आपको कुछ और दुकान भी दिखाते हैं और कुछ लोगों से बात ज़रूर करेंगे अगर वो मिलेंगे हमें तो। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कितनी सारी दुकानें लग चुकी हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों से हमने बात भी किया और आप प्रत्याशी की और लोगों की भीड़ तो लगती ही चली जा रही है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और ये यहाँ पर काफ़ी सारा दुकान लगा हुआ है। और जैसा कि अब कुछ देर में शायद अनाउंस हो भी जाएगा, हमारे साथ अभी एक मौजूद है इंसान जो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये चुनाव प्रचार का जो गाना बनता है, जो बनाते हैं, वो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आइए कि ये गाना कैसे बनाते हैं। मैडम, हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है और हमारे यहाँ एक से बढ़ के एक सिंगर सब काम करते हैं। कैंडिडेट का जो मन पसंद सॉन्ग होगा वो सारे बना के दिया जाएगा, चाहे हिंदी, भोजपुरी, नागपुरी या अदर किसी भी भाषा में हमारे यहाँ गाना बनता है। और हम लोग बड़े बड़े सिंगर से भी गवाते हैं, लेडीज़ भी सिंगर है, जेंट्स भी है, और रिकॉर्डिंग के साथ साथ वो अनाउंसमेंट, स्पीच वगैरह सारे किया जाता है। 2000 से 2500 रुपया का मनपसंद गाना होता है। ऑडियो वीडियो भी कराते हैं, जो फेसबुक के ज़माना है, इंस्टाग्राम के ज़माना है, उस पर हम लोग अपलोड भी कर सकते हैं और आपको मनपसंद गाना किसी भी भाषा पे, वो क्या कहते हैं, किसी भी गाने के ट्यून पे बन सकता है, या नया गाना हो, पुराना गाना हो, हिंदी गाना। कहाँ से आए हैं? हम पटना बिहार से आए हैं। वहीं पे स्टूडियो है? स्टूडियो वहाँ पे है, मेन स्टूडियो वहीं पे है। यहाँ हम लोग एक छोटा सा सेटअप लगाए हुए हैं, यहाँ हम लोग ऑर्डर ले रहे हैं और यहाँ से हम वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ से बन के आ जा रहा है 2 घंटे में। वहाँ हमारे सारे सिंगर बैठे हुए हैं। 5 साल में एक बार होता है? जी जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम हर विधानसभा भी करते हैं
और लोकसभा भी करते हैं, नगर निगम के भी करते हैं, और ये मुखिया का है ये भी हम लोग कर रहे हैं। मतलब जितना इलेक्शन जितना चुनाव होता है हर एक का, हाँ ऑल इंडिया के चुनाव करते हैं। तो जैसा कि अगर आपको चुनाव प्रचार करवाना होगा तो आप इस दिए गए दो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जीमेल आईडी, ईमेल आईडी सब दिया हुआ है, आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने सुना भी कि जो हमारे साथ अभी बात किए उन्होंने भी बताया कि वो कैसे बनाते हैं, कहाँ पर इनका स्टूडियो है और रांची में भी कहीं पर सेटअप है, और सारा इलेक्शन का भी ये करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।